तो जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बारे में हम लोगों ने कल एक डिटेल में मैंने बात की हुई थी, अगर आप उस बिल को ध्यान से देखें तो वह बिल जो है एक सोशल यूनिटी की भी बात करता है। जो उस बिल पर एक आरोप सबसे बड़ा यह है कि इस बिल ने हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को कमज़ोर किया है। अगर आप मेरे कल के पूरे सीए के बिल पे पूरा लेक्चर को सुने तो अगर उस सारे बिल को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं उसमें एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो अभी हाल में सरकार ने पास किया है, चूंकि मुसलमानों को सिटीजन अमेंडमेंट बिल में स्थान नहीं मिला है इसलिए यह एक सेकुलर फीचर की बात नहीं करता है। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी नीड टू एड्रेस इज दैट वेदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल इज ए सेकुलर डॉक्यूमेंट और नॉट। तो पहली बात जो आप अपने एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है वह भारत के सेकुलर करेक्टर की बात करता है कि नहीं करता है। तो पहली बात तो यह है कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरह से किसी, अगर आपको ये क्वेश्चन मेंस में हैंडल करना है, अगर मेंस में प्रश्न हैंडल कर रहे हैं तो पहला आप ये प्रश्न का उत्तर करेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल में किसी भी तरह से किसी भी संप्रदाय के विरोध में कोई बात नहीं कही गई है। देर इज नथिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल रिलीजन इन दिस अमेंडमेंट। तो सिटीजन अमेंडमेंट बिल सिर्फ एक बात करता है कि वह हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी और क्रिश्चियंस एक निश्चित तिथि के पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं वह इन धर्मों को बिलोंग करते हैं, वह अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर तीन देशों से आए हुए हैं तो यह लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वह इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। नाउ कम ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू जस्ट सी द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है भारतीय संविधान का वो बात करता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। सिटीजन शब्द का इस्तेमाल प्रीएम्बल में हुआ है। आप संविधान की धाराओं में आगे बढ़ेंगे तो खासकर संविधान के अनुच्छेद 22 के बाद से, जो 22 से लेकर 28-29 तक जो संविधान चला है वह हर धर्मों के लिए कुछ अधिकारों की बात करता है। भारत का संविधान उन अर्थों में धर्मनिरपेक्ष नहीं है जिन अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज में पश्चिमी देशों में समझा जाता है। भारत का संविधान एक सर्वधर्म संभव की बात करता है। तो मुख्यतः भारत का संविधान एक सर्वधर्म संभव की बात करता है, इसलिए किसी भी धर्म की प्रगति के लिए काम किया जाना किसी भी तरह से भारतीय संविधान के सेक्युलर करेक्टर को किसी भी तरह से अटैक नहीं करता है। अगर आप अनुच्छेद 22 से 28-29 तक पढ़ें तो आप पाएंगे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दोनों के लिए बहुत से प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं तो उसको देखते हुए अगर दूसरे देशों की माइनॉरिटीज को लेकर संविधान में कोई प्रावधान किया जाता है तो वह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को किसी भी तरह से धक्का नहीं पहुंचाता है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो शुभारंभ है वह इस बात से हुआ है द प्रोसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अपहरण हुआ है। इसको हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ देखते हैं। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय एक डेट सुनिश्चित की गई और कहा गया कि जो आदमी जिस देश में रह रहा है वह उस देश में रह सकता है और लोगों को एक देश से दूसरे देशों में आने की आज़ादी होगी।
बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, बहुत से लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। 1950 का जो लियाकत अली और नेहरू का समझौता था, वह नेहरू और लियाकत अली का समझौता भी यह बात कहता था कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व दोनों देशों की सरकारों के पास है, दोनों देशों की सरकारों को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए सिर्फ इस मामले को लेकर कि भारत की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी एक धर्म का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इस भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को यह आघात पहुंचाता है, यह एक सही तथ्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीसरों मुस्लिम बहुल राज्य हैं, जो एक विरोध जो चल रहा है मीडिया में या इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, उस विरोध के पीछे एक ही कारण यह दिया जा रहा है कि मुसलमानों को इसके बाहर क्यों किया गया, इसके अलावा कोई दूसरा विरोध का बड़ा कारण दिख नहीं रहा है। तो जब मुसलमान, क्या पाकिस्तान से मुसलमान भारत में आना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान से मुसलमान या बांग्लादेश से मुसलमान भारत आना चाहते हैं तो 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वह विभाजन ही रद्द हो जाएगा। अगर सारे के सारे मुस्लिम भारत आना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 1947 में किया गया विभाजन एक कृत्रिम विभाजन था। अगर हम गांधी जी के 1947 के भाषणों को याद करें तो वो कहा करते थे, अगर दिलों में दूरियां नहीं है तो जमीन में खींची हुई रेखा अपने आप मिट जाएगी। तो धर्म के आधार पर विभाजित देश में अगर एक धर्म के लिए भारत निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश अवश्य था, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक जनता भारत में नहीं है, मुसलमान जनता पाकिस्तान में गई हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो जहां रहना चाहता था वहां पर रह सकता था। इसलिए CA का डॉक्यूमेंट एक धर्मनिरपेक्ष डॉक्यूमेंट है। अब इस व्याख्यान को आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। 50 शब्द में आप कैसे लिखेंगे? 50 शब्द को जरा समझने की कोशिश करिए। भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। भारत विभाजन के ड्राफ्ट में पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को बांटा गया। उस समय यह कहा गया कि जो जनता जहां जाना चाहे वो जा सकती है। बहुत से हिंदू हिंदुस्तान आए, बहुत से मुसलमान पाकिस्तान गए, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद उसी देशों में रह गई। भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसमें नागरिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की बात करता है और भारत के पार्लियामेंट को यह अधिकार है, वह किसी को भी नागरिकता प्रदान कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 से लेकर 29 तक में जो एक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई है उसमें लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की गई है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत नहीं है। भारत एक सर्वधर्म संभाव की और सर्वधर्म के उन्नत की बात करता है। अतः अगर पड़ोसी देशों में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का अपहरण हो रहा है और उनके पक्ष में कोई एक वैधिक कानून बनाया जाता है तो निश्चित रूप से यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को किसी भी तरह से आघात नहीं पहुंचाता। ये आपका हो गया 50 शब्दों का सवाल। आइए हम एक बात पे और आते हैं कि यह जो भारत का जो डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये किस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। नाउ वी आर एंटरिंग वाया दिस कॉन्सेप्ट इन द इंटरनेशनल रिलेशन। अपने पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की हितों की असुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा से रहा है। भारत ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास करके और पड़ोसी देशों पर यह आरोप लगाकर कि आप अपने यहाँ के नागरिकों के अथवा नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। अगर हम कूटनीतिक प्रश्न से देखें तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास करने का सीधा सा तात्पर्य यह हुआ
कि पूरे विश्व में पाकिस्तान की जो इमेज है वह एक अल्पसंख्यक विरोधी राष्ट्र की इमेज बन चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप पूरे पिछले एक दो महीने की घटना चक्र को पढ़िए तो कहीं भी यह बहुत ही संजीदगी से कहने की कोशिश किसी देश ने की कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक असुरक्षित नहीं है। और जो आंकड़े हैं कि जो आज़ादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 21-22% के आसपास थी, आज 3-4% के आसपास हो गई है, और भारत में जो मुसलमानों की संख्या 14-15% के आसपास थी वह 21-22% हो गई है, वह यह बताती है कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति बहुत संजीदगी बरती है, उनके अधिकारों को ध्यान रखा है। और भारत के संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं, जो वो सारे प्रावधान मैंने आपको लिखाए हुए हैं, आप उन सारे प्रावधानों को जरूर लिखिएगा, कि ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करते हैं। इस तरह के प्रावधान पाकिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में काम करता रहा है और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बहुत सशक्त ढंग से उसने विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है। भारत में सारे उच्च पदों पर किसी भी धर्म का आदमी जा सकता है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि कोई भी आदमी जो मुसलमान नहीं है वह वहाँ के शीर्षतम पदों पर नहीं जा सकता है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत ने यह पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति संजीदगी से काम किया है। इसके विपरीत पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है और उनके प्रति किसी भी तरह का कोई भी सद्भावनापूर्ण कार्य पिछले 50-60 सालों में वहां की सरकारों ने नहीं किया है। और यही वह कारण है कि वहां से लोग पलायन करके भारत की ओर आ रहे हैं। दूसरा, भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक खोखले पर उजागर कर दिया है कि जो लोग वहां से भाग के आते हैं वह लोग एक धर्म से प्रताड़ित होते ही हैं, वहां पर लोगों को रोजगार और काम के अवसर नहीं मिलते हैं। एक पंगु अर्थव्यवस्था का देश, धार्मिक रूप से भ्रष्ट हुआ देश और एक पुरातन पंथी और प्रतिक्रियावादी राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान विश्व समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये आपको काम आएगा इंटरव्यू में। आप व्हेन यू विल अपीयर इन द इंटरव्यू, दिस क्वेश्चन विल आस्क यू, थ्री फोर क्वेश्चन विल आस्क यू आई मीन्स इंटरव्यू इंटरव्यू फर्स्ट कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट है या नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करने से अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत के प्रति किस तरह की किस तरह का दृष्टिकोण तैयार हुआ। बहुत से लोग यह कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाने से विश्व समुदाय में भारत की छवि को प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इसका आप काउंटर इस तरह करेंगे, भारत की छवि को कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है, इसके बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश की छवि को प्रतिकूल असर पड़ा है। और दूसरा, इस एक्ट ने लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू के बीच 8 फरवरी 1950 में जो एक समझौता हुआ था उस समझौते में जो कमियां रह गई थी उस कमियों को दूर करने का काम किया है। 8 फरवरी 1950 में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली की समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि दोनों देश अपने यहाँ की अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, लेकिन उसी समय यह सिटीजनशिप एक्ट पास होना चाहिए था, उसी समय यह अधिकार दिया जाना चाहिए था कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति अन्याय हो रहा है और हिंदुओं के प्रति वहां पर सद्भावना को बाहर नहीं है तो वो भारत आ सकते हैं। सेम ये पाकिस्तान भी कर सकता था, अगर हिंदुस्तान में
मुसलमानों के प्रति उचित माहौल नहीं है, उचित सद्भावना नहीं है, तो मुसलमान भारत से पाकिस्तान आ सकते हैं। निश्चित रूप से पिछले 70 सालों में कोई भी मुसलमान भारत से पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 8 फरवरी 1950 के जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच हुए समझौते में जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। ये आपके इंटरव्यू का दूसरा सवाल है कि जब 1950 में लियाकत अली जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौता हो गया था, उस समझौते के प्रावधानों के तहत दोनों देशों में सुरक्षा की बात कर दी गई थी, तो आखिर वह क्या कारण थे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास करना भारत को जरूरी पड़ा। दूसरा, जो सिटीजनशिप है वह एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन यू नो द वन थिंग, द सिटीजनशिप इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। यह गतिमान प्रक्रिया है, समय और परिस्थिति के अनुसार नागरिकता के प्रावधान बदलते हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। विश्व के तमाम देशों ने नागरिकता संशोधन विधेयक पास किए हैं, भारत कोई अपवाद नहीं है। इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट पास करना किसी भी तरह से न गैरकानूनी है न असंवैधानिक है। यह भारत की बदलती परिदृश्य और भारत की अपनी आंतरिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए यह एक प्रगतिशील अवधारणा को ध्यान में रखता है। जो सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और वह कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी एंड सिविलाइजेशन दोनों के बारे में बात करता है। तो आपका ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक पूरा विश्लेषण हो गया, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया हो। कोई सवाल वो आपको पूछे, अदरवाइज आई विल मूव ऑन द वर्ल्ड स्ट्रीम। राइट नाउ वी आर कंसेंट्रेटिंग ए लॉट ऑन द इशू ऑफ द मीन्स। हम प्री साथ में जरूर करते हैं, प्री का सवाल मैंने आपको कल उसमें कर दिया था। देखिए, अब एक बात मैंने बार बार आप लोगों से ही है कि विश्वविद्यालय के जो सवाल आते हैं, जो UPSC के आते हैं, दोनों में किसी भी तरह का कोई कंपेरिजन नहीं होता है। जिसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय प्रथम विश्वयुद्ध के बारे में सवाल पूछे, मैं हम लोग आते हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक पे, अगर विश्वविद्यालय वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में कोई सवाल पूछेगा तो शायद सीधा सा सवाल पूछेगा कि प्रथम विश्वयुद्ध के क्या कारण थे, उसके क्या परिणाम हुए। लेकिन अगर UPSC पूछेगा शायद ये सवाल न पूछे, संभावना कम है। वो क्या पूछेगा, प्रथम विश्वयुद्ध में बिस्मार्क का योगदान क्या था, बिस्मार्क प्रथम विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी किस तरह था। तो कल हम लोगों ने जो एक अपना लेक्चर आरंभ किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, हम वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न के साथ, बिस्मार्क किस हद तक प्रथम विश्वयुद्ध के लिए उत्तरदायी। हमने कल आपको एक बिस्मार्क की एक नीति बताई थी कि बिस्मार्क की एक नीति थी कि जब 1871 से 1914 के बीच का जो काल था उसको बिस्मार्क ने, आप लोग नोट करना चाहे आई कैन स्लो डाउन ऑल्सो बिकॉज दीज आर द, ये एक एनालिटिकल पार्ट है, आपको सीधे किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा। तो जो 1871 से 1914 के बीच का काल है यूरोप का, उस काल को बिस्मार्क ने बहुत ही सावधानी से नियंत्रित किया था और जर्मनी के एकीकरण से लेकर जो प्रथम विश्व युद्ध तक का काल था उस काल पर जर्मनी ने अपना बहुत बड़ा प्रभाव स्थापित किया था। और उस प्रभाव की स्थापना में जो सबसे बड़ा कारण था वह बिस्मार्क थे। जो बिस्मार्क का मस्तिष्क था और जो बिस्मार्क की कूटनीति थी वह सबसे बड़ा कारण था प्रथम विश्वयुद्ध को जन्म देने के लिए। अगर हम अभी कंसंट्रेट करते हैं कि प्रथम विश्वयुद्ध में बिस्मार्क का क्या योगदान था, 1871 में बिस्मार्क ने यह घोषणा कर दी थी कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है। ऐसा कहने के पीछे बिस्मार्क की मंशा यह थी कि वह चाहते थे कि विस्तारवादी नीतियों के बजाय जर्मनी के आर्थिक संसाधनों और जर्मनी के आर्थिक विकास के पक्ष पर काम किया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने एक आर्थिक विकास का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। तो उन्होंने 1870 के पहले जो बिस्मार्क की एक नीज थी शस्त्रों की, 1870 के पहले बिस्मार्क ने यूरोप में शस्त्रों के सहारे
कब्जा करना चाहा और जर्मनी के प्रभुत्व का जो एक कार्यक्रम था उसमें शस्त्र एक महत्वपूर्ण अवयव थे। 1870 के बाद बिस्मार्क ने कूटनीति का सहारा लिया, यह एक नई नीति थी जर्मनी के लिए, और इस योजना को बनाने के लिए बिस्मार्क ने एक 4 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण किया। उसमें पहला था कि फ्रांस को अकेला कर दिया जाए। फ्रांस को एकाकी करना बिस्मार्क के लिए आवश्यक था ताकि वह जर्मनी के द्वारा जो फ्रांस का अपमान हुआ है, असम्मान हुआ है, उसका वह बदला ले सके। अगर फ्रांस अकेला हो जाएगा तो अकेला फ्रांस जर्मनी से किसी भी तरह से बदला लेने के हालात में नहीं होगा, और इंग्लैंड और जर्मनी के हित नहीं टकराते थे, इसलिए जर्मनी एक महाद्वीपीय देश था और इंग्लैंड एक औपनिवेशिक साम्राज्य था। इस कारण से जर्मनी और इंग्लैंड के आपस में हित नहीं टकराते थे और इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के नज़दीक आ सकते थे। तो जो पहला कार्यक्रम बिस्मार्क का था, फ्रांस को एकाकी कर देना, फ्रांस को अकेला कर देना, और जर्मनी और इंग्लैंड के चूंकि हित नहीं टकराते हैं, जर्मनी एक महाद्वीपीय देश है, इंग्लैंड एक औपनिवेशिक साम्राज्य है, इसलिए जर्मनी में और इंग्लैंड में निकटता होगी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बिस्मार्क। दूसरा, ऑस्ट्रिया को पराजित करने और जर्मन क्षेत्र से उसे निष्कासित करने के बावजूद वह उससे निकट का संबंध रखना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक थे, और इटली और जर्मनी का एकीकरण एक साथ और समानांतर हुआ था, और दोनों के एकीकरण में एक दूसरे की दोनों की एक प्रक्रिया एक साथ हुई थी, इसलिए दोनों जो साथ पहुँचाए थे, इसलिए वह इटली से मित्रता रखना चाहता था, और रूस से जहाँ तक हो सके मित्रता का संबंध बनाए रखा जाए, लेकिन रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी एक को चुनना हो तो ऑस्ट्रिया को चुना जाए, रूस को चुना जाए, यह एक बिस्मार्क की कूटनीति थी। बिस्मार्क की इस कूटनीति के आधार पर यूरोप में गुटबंदी और गुप्त संधियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो व्हाट यू एड्रेस फर्स्ट पॉइंट, यू विल एड्रेस फर्स्ट पॉइंट कि बिस्मार्क ने 1800, आप अगर लिखेंगे कैसे, देखिए क्या है, सुनने से ज़्यादा हाउ यू ट्रांसलेट इन टू द कॉपी, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो 1800 इसको आप लिखेंगे कैसे, आप इस पूरे व्याख्यान को आप 20-25 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बिस्मार्क का हमारा ये सवाल आता है, सवाल फुल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके 250 शब्दों के सवाल का एक पार्ट होगा, तो आपके पास इस पार्ट को लिखने के लिए 100 शब्दों के आसपास की सीमाएं हो सकती है, 100-150, इसके चांसेस बहुत कम है कि यह सवाल पूरा आ जाए। यह सवाल एक पार्ट में आएगा कि प्रथम विश्वयुद्ध के क्या कारण थे, प्रथम विश्वयुद्ध का द्वितीय विश्वयुद्ध से क्या संबंध है, और प्रथम विश्वयुद्ध में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी, यह एक सवाल बन सकता है। अब इस सवाल को अगर ध्यान रखें तो इस सवाल को लिखते समय आप कैसे लिखेंगे, 1870 के पहले, यू वांट टू राइट, यू कैन कैन राइट इट 1870 के पहले, बिस्मार्क ने शस्त्रों के सहारे यूरोप में अपने दबदबे की स्थापना की। 1870 के बाद बिस्मार्क ने कूटनीति के सहारे चाहता था कि फ्रांस को इतना एकाकी कर दिया जाए कि वह जर्मनी के हाथों हुए अपमान का बदला न ले सके। इंग्लैंड और जर्मनी के हित आपस में नहीं टकराते हैं, इंग्लैंड एक औपनिवेशिक राष्ट्र है, जर्मनी एक महाद्वीपीय देश है, इसलिए दोनों में निकटता की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
ऑस्ट्रिया को पराजित करने और जर्मनी क्षेत्र से निष्कासित करने के बावजूद उससे निकट का संबंध बनाए रखा जाए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक दूसरे के नज़दीक हैं। इटली और जर्मनी का एकीकरण एक साथ हुआ था और इन दोनों की एकीकरण की प्रक्रिया समानांतर चली थी और दोनों के एकीकरण से दूसरे को लाभ हुआ था, इसलिए इटली से मित्रता बनाए रखना जर्मनी हित के अनुरूप था। रूस से जहाँ तक हो सके एक मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखा जाए, पर अगर रूस और ऑस्ट्रिया में से किसी एक को चुनना हो तो ऑस्ट्रिया को चुनना एक बेहतर कदम साबित होगा जर्मनी के लिए। यह वह बिस्मार्क की नीति थी जिस नीति के आधार पर जर्मनी में यूरोप में गुटबाजी और गुप्त संधियों का सिलसिला आरंभ हुआ। आप फर्स्ट पार्ट एड्रेस ये करेंगे, जैसे ही आप ये लिख देंगे एग्जामिनर के दिमाग में साफ हो जाएगा कि इसको यूरोप की हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा जानकारी है। जैसे ही आपने ये लिख दिया, आप तय मानिए अगर आपने ये लिख दिया तो एग्जामिनर का मूड चेंज हो जाएगा कि इसको नंबर देना ही देना है, बिकॉज यू हैव क्लियरली एस्टेब्लिश दैट कि यूरोप की जो राजनीति है वो प्रथम विश्व युद्ध के पहले कैसे चल रही थी और बिस्मार्क उस राजनीति को लेकर कैसे चल रहा था। दिस 40-50 वर्ड्स विल पेव वे कि आपको 70-75-80% नंबर मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो प्रक्रियाएं हुई उन प्रक्रियाओं में दो काम हुआ, गुटबाजी हुई और गुप्त संधियां हुई। 1872 में तीन सम्राटों का एक समझौता हुआ और तीन सम्राटों ने मिलकर ऑस्ट्रिया रूस और जर्मनी तीन सम्राटों ने मिलकर एक संघ बनाया जिसमें कोई औपचारिक संधि तो नहीं हुई लेकिन यह तय किया गया कि वह तीनों मिलकर यूरोप में किसी भी तरह की यथास्थितिवाद के विरुद्ध उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का विरोध करेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ, यह तीनों देश चाहते थे कि इनके पास जितना कब्जे का प्रदेश है वह सुरक्षित रहे, उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप होगा यह तीनों मिलकर उसका विरोध करेंगे। उसके जो ऑस्ट्रिया और रूस जैसे दो प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के साथ बिस्मार्क ने एक समझौता कर लिया, यह बिस्मार्क की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ऑस्ट्रिया और रूस दोनों परस्पर विरोधी राष्ट्र थे, बिस्मार्क ने उन दोनों के साथ संबंध स्थापित करके यह एस्टेब्लिश कर लिया। उसके पास यह समझ है कि राजनीतिक रूप से किस तरह से वह चीज़ों को अपने हक में बुला सकता है और जर्मनी के लिए ऑस्ट्रिया और रूस के बीच संबंधों का संतुलन बनाए रखना किसी भी तरह से आसान था। यह तीन राष्ट्रों का समझौता किसी भी तरह से मजबूत नहीं हो सकता था, लेकिन बिस्मार्क के पास यह काबिलियत थी, बिस्मार्क के पास यह कूटनीतिक चातुर्य था कि वह पूरी तरह से रूस को कभी भी जर्मनी से अलग होने नहीं देना चाहता था और उसमें काफ़ी तरह से वह सफल रहा। उसका कारण क्या था, वह जानता था जैसे ही रूस जर्मनी से अलग होगा वह फ्रांस के नज़दीक हो जाएगा, तो फ्रांस के नज़दीक रूस न जा पावे और फ्रांस को अकेला रहने दिया जाए ताकि फ्रांस जर्मनी के हाथों हुए अपमान का बदला न ले सके, इसलिए पूरी ताकत के साथ पूरी शिद्दत के साथ जर्मनी इस बात पर लगा रहा कि रूस और जर्मनी के संबंध बने रहे और रूस फ्रांस के पास न जा पाए। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया और इटली के साथ अपने संबंध ठीक करने के बाद जो रूस के साथ अपने संबंधों को ठीक किया उसमें उसने यह एक प्रावधान कर दिया कि अगर इन राष्ट्रों पर कोई भी बाहरी आक्रमण होगा तो अन्य दो राष्ट्र तटस्थ रहेंगे। तो जो यह संधि हुई, इस संधि में यह कहा गया कि हम तीनों में से अगर किसी एक पर कोई तीसरा कोई अगर और राष्ट्र हमला करेगा तो हम दो तरस रहेंगे, यह समझौता 3 साल के लिए हुआ गया। लेकिन इस समझौते ने यूरोप में गुटबंदी को बढ़ावा दे दिया। तो अगेन यू अटैक ऑन द पॉइंट,
कि बिस्मार्क की इस नीति ने यूरोप में गुटबंदी को बढ़ावा दे दिया। तो राव यू आर एड्रेसिंग द टू पॉइंट इन द रोल ऑफ द बिस्मार्क इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, गुटबंदी, द पोलराइजेशन एंड द सीक्रेट पैक्ट। तो गुटबंदी, ये जो प्रक्रिया थी बिस्मार्क की, जो प्रक्रिया बिस्मार्क लेके आगे चल रहे थे, उससे यूरोप में गुटबंदी बढ़ने लग गई। बिस्मार्क के बाद जो विलियम्स सम्राट बने, तो विलियम्स ने सम्राटों के लिए को समाप्त कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रिया अन्य गुप्त संधियों के कारण जर्मनी से संबंध रहा, लेकिन वह कुछ वर्षों में फ्रांस और रूस का मित्र हो गया। अब जो बिस्मार्क की पॉलिसी थी, इसको विलियम्स ने चेंज किया, लेकिन गुप्त संधियों से ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन वह बाद में फ्रांस और रूस से भी मित्रता कर ली। तो यह गुटबंदी भी हो रही है और सीक्रेट पैक्ट हो रहा है। होप इट इज क्लियर एनी प्रॉब्लम? अनूप, कीर्ति, रिंकी, आस्था, एकता, इफ इट नॉट क्लियर आई कैन गो स्लो बिकॉज इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोप का इतिहास बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यूरोप में एक तरह का माहौल व्याप्त हो गया जहां पर गुटबंदियां हो रही थी और गुप्त संधियां हो रही थी। एक तरफ बिस्मार्क से, एक तरफ बिस्मार्क औपचारिक समझौता किए हुए था, दूसरी ओर ऑस्ट्रिया से एक गुप्त औपचारिक संधि कर ली। बिस्मार्क बहुत दूरदर्शी था, उसने सुडोवा में ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन उसका कोई अपमान नहीं किया और उसकी ओर दोस्ती यहाँ बढ़ा दिया, और जर्मनी और ऑस्ट्रियाई सम्राटों ने एक साथ एक संघ में शामिल स्वीकार कर लिया। एक तरफ एक गुटबाजी थी जिसमें तीन देश शामिल थे, वहीं साथ ही साथ जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट संधि कर ली, और एक जो गुप्त संधि हुई उसमें यह तय किया गया कि अगर इन दोनों देशों पर क्या समझने में टाइम लग रहा है, अगर दोनों देश एकता अंडरस्टैंड पहले आप बोल लेना चाहिए ना, अगर यह एक समझौता हुआ, देखिए ऑस्ट्रिया, आप समझने की कोशिश करिए, यूरोप में चार पांच ताकतें थी, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस। तो जो यह जो उन्होंने एक समझौता कर लिया ऑस्ट्रिया के साथ, एक ओपन संधि थी जिसमें संधि क्या थी कि अगर उन पर कोई बाहरी राष्ट्र हमला करेगा, ऑस्ट्रिया, रूस और जर्मनी के बीच एक संधि थी कि अगर कोई और राष्ट्र हमला करेगा तो वह तटस्थ रहेंगे। वहीं जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट पैक्ट कर लिया, गुप्त संधि कर ली। मकसद क्या कि अगर उनमें से किसी एक पर रूस का हमला होगा तो एक आदमी दूसरे का साथ देगा, यदि रूस के अतिरिक्त कोई अन्य देश हमला करेगा तो वह तब तक तटस्थ रहेगा जब तक रूस युद्ध में शामिल नहीं होगा। गुटबाजी और सीक्रेट ट्रीटी, गुटबाजी और गुप्त संधियां दोनों एक साथ चल रही थी। तो जो एक ऑस्ट्रिया के साथ समझौता, पहली बात तो रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के समझौता हुआ, इस समझौते के तहत यह तय हुआ, देखिए आप सिंपल भाषा लिखिए, रूस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच यह समझौता हुआ कि अगर उन पर कोई भी बाहरी देश हमला करेगा तो बाकी दो देश तटस्थ रहेंगे। उसके बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से गुप्त संधि कर ली कि अगर उनके ऊपर, जर्मनी या ऑस्ट्रिया के ऊपर रूस हमला करेगा तो एक दूसरे का साथ देगा, अगर रूस के अलावा कोई और हमला करता है तो वह तब तक तटस्थ रहेगा जब तक रूस उस युद्ध में शामिल नहीं होता है। गुटबाजी और गुप्त संधि दोनों जर्मनी एक साथ कर रहा था।
दोनों के एक साथ करने का परिणाम यह हो रहा था कि अविश्वास का माहौल पड़ रहा था। बर्लिन कांग्रेस में एनी प्रॉब्लम? आई थिंक एकता सोनेर, आपको अनूप, वर्षा, कीर्ति क्लियर नहीं हो रहा है? जस्ट टेल मी फास्ट। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है, फिर और स्लो करते हैं। बताओ व्हाट्स प्रॉब्लम? बोलो ओके एकता टेल मी। ओके ठीक, चलो। तो जो यह एक समझौता हो रहा था, उसके बाद हम फिर रिपीट कर रहे हैं अपना सवाल। मेरा सवाल यह है कि बिस्मार्क और जर्मनी किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे? यू अगेन नोट डाउन माई क्वेश्चन। आई एम एड्रेसिंग ओनली वन क्वेश्चन विच आई एम एक्सपेक्टिंग मेक योर एग्जाम, कि जर्मनी और बिस्मार्क किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने फ्रांसीसी प्रतिनिधि को प्रोत्साहित किया कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित ट्यूनेशिया को के प्रदेश पर हम कब्जा कर ले तो जर्मनी को कोई ऐतराज नहीं होगा, और फ्रांस ने ट्यूनेशिया को रख दिया। अभी भी देखिए, यह जर्मनी की अपनी एक राजनीति थी कि उसने फ्रांस को प्रोत्साहित किया कि अगर वह अफ्रीका का जो ट्यूनिशिया का प्रदेश है उत्तरी अफ्रीका का, उस पर कब्जा कर लेता है तो फ्रांस को जर्मनी को कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। और जर्मनी का उस समय बड़ा आतंक था, बड़ा बोलबाला था। जैसे ही जर्मनी का प्रोत्साहन मिलता है, ट्यूनिशिया का जो प्रदेश है फ्रांस ने कब्जा कर लिया, और इंग्लैंड को इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बेसहारा ट्यूनिशिया फ्रांस के कब्जे में आ गया। इटली को यह डर हो गया कि उसका जो पड़ोसी प्रदेश है, जो उसका छोटा सा उपनिवेश त्रिपोली है जिसके आधुनिक लीबिया कहते हैं, उसको हड़प लिया जाए। इस आतंक से डर कर इटली ने फ्रांस में फ्रांस के विरोधियों को से संबंध बनाना शुरू कर दिया। और बिस्मार्क यही चाहता था कि इटली अपने को असुरक्षित महसूस करे और जर्मनी के साथ संधि करने को बात हो जाए। तो त्रिपोली की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर जैसे ही ट्यूनिशिया पर फ्रांस का कब्जा हुआ, इटली को त्रिपोली के खो जाने का डर पैदा हो गया, और वह फ्रांस में फ्रांस के विरोधियों के साथ संबंध बनाने लगा, और जर्मनी से उसने संधि का प्रस्ताव किया। जर्मनी यही चाहता ही था। सारी प्रक्रिया ट्यूनिशिया को फ्रांस की देनी इसीलिए थी, इसलिए इटली असुरक्षित होगा, और इटली का जर्मनी के साथ समझौता हो गया। इटली के साथ समझौता होने के साथ 1882 में यह तीन राष्ट्रों की एक संधि बन गई। अब यह व्यवस्था 5 वर्षों के लिए बनी, लेकिन यह प्रथम महायुद्ध तक चलती रही। इससे बिस्मार्क ने जर्मनी की सुरक्षा तो बढ़ाई ही, इटली को भी फ्रांस के आक्रमण का डर नहीं रहा। साथ ही साथ इस समझौते से इटली को एक बड़ी शक्ति होने का भ्रम भी पैदा हो गया। यह फैक्चुअल राजनीतिक घटनाक्रम है। इस फैक्चुअल राजनीतिक घटनाक्रम में हम मूल्यांकित करते हैं कि बिस्मार्क का प्रथम विश्व युद्ध में योगदान किस तरह था। जर्मनी विभिन्न संधियों से सुरक्षित हो गया,
और फ्रांस मित्रविहीन हो गया। जिस तरह की घटनाएं अभी आपने देखी और सुनी, उन घटनाओं का सीधा सा परिणाम यह हुआ कि जर्मनी बहुत सी संधियां करके सुरक्षित हो गया और फ्रांस मित्रविहीन हो गया, और महाद्वीप से तरस इंग्लैंड जर्मनी से कोई खतरा महसूस नहीं करता था, और ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया की ससुराल जर्मनी में थी, इसलिए जर्मनी के साथ उनका एक स्वाभाविक स्नेह था। लेकिन क्या जर्मनी वास्तव में सुरक्षित था? इस तरह की गुप्त संधियों को करने से एक तो यूरोप में गुटबाजी बढ़ रही थी, और गुप्त संधियों से यूरोप में अविश्वास का माहौल बन रहा था। जो विलियम कैसर वहां का शासक था वह महत्वाकांक्षी था। बिस्मार्क वास्तव में एक बाजीगर की तरह था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, रूस रूपी पांच गेंदों को इस तरह उछालता था कि कम से कम दो हरदम हवा में रहते थे। अगर यह कमेंट आता है, इस पर अगर आंसर करना है, तो आप वही आंसर जो भी पढ़ा चुका हूं, आप इसको लिख लीजिए। बिस्मार्क के बारे में कहा गया है वह वास्तव में एक बाजीगर था। वह इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और रूस रूपी पांच गेंदों को इस तरह उछालता था कि कम से कम दो हरदम हवा में रहते थे। ये आ जाएगा, आएगा प्लीज कमेंट। तो इस पे कमेंट वही होगा जो वही आप मैंने पूरी राजनीति उनका पढ़ाई है। उसने जिस गुप्त कूटनीति की शुरुआत की, उससे यूरोप में एक शीत युद्ध का माहौल बन गया। सारा यूरोप युद्धों में पड़ गया। शंका और तनाव के वातावरण में भावी युद्ध की तैयारी होने लग गई, और यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया। और जब प्रथम महाविश्व युद्ध हुआ, निश्चित रूप से बिस्मार्क के योगदान को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया सकता है। तो 19वीं शताब्दी में तीन महान नायकों का योगदान है। नेपोलियन ने पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं से पूरे यूरोप को अपना शिकार बनाया। मिटरनिख ने प्रतिक्रियावादी संबंधों के सहारे बांध का निर्माण किया, और बिस्मार्क ने एक ऐसे शंकालु माहौल को यूरोप में पैदा कर दिया कि यूरोप दो आक्रामक गुटों के बीच बट गया, और प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व पुटिका तैयार हो सके। दिस इज योर आंसर ऑफ द 2-3 क्वेश्चंस। एनी प्रॉब्लम आस्क मी, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। एकता आपको प्रॉब्लम समझ आती है? एकता अनूप दो को प्रॉब्लम समझ आती थी। अर्पिता, यू आर क्लियर और नॉट क्लियर? आई अप्रिशिएट, ये पार्ट बहुत टफ है, मैं इससे ये पार्ट कठिन है। सवाल जिस तरह से आते हैं करना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको हम लोग समझने की कोशिश करें तभी तो लिखेंगे। यह पूरे के पूरे मामले को समझाने की कोशिश है कि यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध कैसे आरंभ हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। देखिए, इस सवाल को कई तरह से पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में बिस्मार्क का योगदान, एक तो ये हो गया। दूसरा, गुटबाजी और गुप्त संधियां प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। चलो वेरी नाइस, वर्षा मौर्य क्लियर हुआ, प्रशांत। तो इस सवाल का दो तीन तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो सवाल हो गया जर्मनी या बिस्मार्क का प्रथम विश्व युद्ध में क्या योगदान है। दूसरा, गुटबाजी और गुप्त संधियां किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है। वेरी गुड सृजन, वेरी नाइस। चलो, अब बिस्मार्क को जो सम्राट थे जर्मनी के, विलियम द्वितीय, वो एक उत्साही व्यक्ति थे। उनको इतिहास का बहुत ज्ञान नहीं था, उनको कूटनीति समझ नहीं थी, और उन्होंने जो बिस्मार्क की एक नीति थी कि जर्मन राष्ट्र कीर्ति, समझ आ गया आपको? वेरी गुड।
द यंगेस्ट एस्पायर्ड कीर्ति सोन आ गया है, लवली कीर्ति, वेरी गुड। कि संयुक्त राष्ट्र को, जो संयुक्त राष्ट्र की जो एक नीति थी उसको त्याग कर उसने एक विश्व राजनीति की नीति तैयार की, और उसने जो एक व्यवस्था बिस्मार्क ने पूरी ताकत से स्थापित की थी उस व्यवस्था को तोड़कर वह आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ने लग गया। और उसने अभी तक इंग्लैंड से बिस्मार्क ने किसी भी तरह का संघर्ष करने की बात नहीं सोची थी, लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया से जर्मनी पहले ही निपट चुका था। अब विलियम्स चाहता था कि वह इंग्लैंड से निपट के और इंग्लैंड पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करे, और जर्मन में यह मानसिकता बनती जा रही थी। और 1891 में पैन जर्मन लीग की बात कही जाने लगी, और चार चरणों में जर्मनी के प्रभुत्व की बात कही जाने लगी, और यहीं से हिटलर के नाजी दर्शन का पूर्वाभास होता है। अगला सवाल, नाजीवाद की शुरुआत कैसे होती है? जब हम नाजीवाद पे आएंगे प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, तो आप अभी समझ लीजिए कि नाजीवाद की शुरुआत है वो विलियम द्वितीय ने कर दी थी। विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क की नीति को पलट दिया, और वह एक पैन जर्मन लीग की बात करने लगा। और पैन जर्मन लीग की बात करने का तात्पर्य था कि नाजीवाद की शुरुआत यूरोप में विलियम द्वितीय ने कर दी। जर्मनी अपनी तेजी से अपनी नौसेना का विस्तार करना शुरू कर दिया, इससे अंग्रेज चौंक पड़े। कूटनीतिक स्तर पर जर्मनी और इंग्लैंड ने बात करनी चाहिए कि शस्त्रों के होड़ को कम किया जाए, नौसेना के विस्तार पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में विलियम्स ने दिलचस्पी शुरू कर दी, उससे इंग्लैंड और जर्मनी के बीच तनाव बढ़ने लग गए। इस तरह इधर जर्मनी में नौसैनिक निर्माण इतना तेजी से बढ़ रहा था कि उससे पूरे यूरोप में आशंका का माहौल हो रहा था, और ख़ासकर इंग्लैंड की शंकाएं ज़्यादा बढ़ रही थी, और दोनों देशों में शस्त्र की प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। जर्मन नौसेना का शस्त्रीकरण आधुनिक ढंग से हो रहा था। विलियम ने मोरक्को संकट के समय शक्ति प्रदर्शन की नीति अपनानी शुरू कर दी, और उसने जो बिस्मार्क में की बालकन में नीति थी, कि बिस्मार्क की बालकन में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, उसको पलट दिया, और वह बालकन के राज्यों में अपने प्रभाव की स्थापना को आरम्भ कर दिया। और इन देशों में जर्मनी की पूंजी लगी थी, और तुर्की और जर्मनी के साथ अच्छे संबंध थे। उसका कारण यह था कि जर्मन का उद्योग एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था, यहाँ उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता थी, और औपनिवेशिक दौड़ में वह पिछड़ चुका था। जर्मन देर से जागा था, और जर्मन देर से विश्व की शक्ति बना था। उसके पहले ही सारा विश्व कई राष्ट्रों में बांटा जा चुका था। क्योंकि कई राष्ट्रों ने सारे विश्व को बांट लिया था, इसलिए जर्मनी के पास औपनिवेशिक विस्तार की कोई खास गुंजाइश दिख नहीं रही थी। समझा बुझाकर इंग्लैंड ने दूसरे देशों से जर्मनी को कुछ उपनिवेश दिलाने की कोशिश अवश्य की, लेकिन जर्मनी उससे स्वीकार नहीं था। जर्मनी किसी भी तरह से एक द्वितीय स्तर का दर्जा लेने के लिए तैयार नहीं था। वह एक बेहतर औपनिवेशिक विस्तार की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इसके लिए विलियम्स ने एक आक्रामक फॉरेन पॉलिसी शुरू की। अब एक अगला सवाल, जर्मनी का द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध में क्या योगदान है? जब जर्मनी का करेंगे तो आप विलियम्स को भी डील करेंगे और बिस्मार्क को भी करेंगे। जो बिस्मार्क की नीति को जर्मनी में विलियम्स ने बदला है, उस नीति को भी लिखना आपको आवश्यक है कि बिस्मार्क की नीतियों को विलियम्स द्वितीय ने किस तरह से बदला है।
बिस्मार्क की जो नीति थी संतुष्ट राष्ट्र की नीति, उसको विलियम द्वितीय ने बदल दिया। वह संयुक्त राष्ट्र संतुष्ट राष्ट्र से बढ़कर वो एक असंतुष्ट राष्ट्र बढ़ गए। उन्होंने अपने आप को एक वर्ल्ड पॉलिटिक विश्व राज्य तरफ ले जाने लग गए। उन्होंने नौसेना का विस्तार शुरू कर दिया और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे इंग्लैंड शक्ति हो गया। उसने औपनिवेशिक विस्तार की नीति आरंभ कर दी। उस औपनिवेशिक विस्तार की नीति का परिणाम यह था कि उपनिवेशों के लिए झगड़े शुरू हो गए और जर्मनी आर्थिक रूप से इतना सशक्त हो रहा था कि जर्मनी के उत्पादों के लिए बाजार चाहिए थे, जर्मनी के पास बाजार नहीं थे। और इसके कारण विलियम ने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, आक्रामक पर राष्ट्रनीति का आरंभ कर दिया और आर्थिक स्पर्धा में यूरोप बढ़कर टूटने लगा और विलियम का रवैया आक्रामक हो गया। इसलिए उसे प्रथम महायुद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार दो लोग हो गए, एक बिस्मार्क, एक विलियम द्वितीय। बिस्मार्क को मैंने आपको समझाया किस तरह से बिस्मार्क का योगदान था गुटबाजी बढ़ाने में और गुप्त संधियों को करने में, और विलियम्स का योगदान क्या था, इसने बिस्मार्क की नीति को पलट दिया, आक्रामक फॉरेन पॉलिसी, आक्रामक विदेश नीति का सूत्रपात किया, औपनिवेशिक दौड़ में शामिल हो गया, नौसेना का विस्तार किया, जो एक जर्मनी की संयुक्त राष्ट्र संतुष्ट राष्ट्र की जो एक नीति थी उसको पलट दिया। यह एक युद्ध की और आर्थिक स्पर्धा में यूरोप घुस गया, जिसके कारण विलियम द्वितीय को प्रथम विश्वयुद्ध किया जाता। अब अगला सवाल एक और आप हैंडल करिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है, बिस्मार्क या विलियम द्वितीय? होप यू गॉट आंसर। क्या आंसर होगा प्रथम विश्व युद्ध के लिए अगर आपसे यह सवाल किया जाए? देखिए, आई एम ट्राइंग टू रेज सो मेनी क्वेश्चंस ताकि आपको एग्जाम में आप जब बैठे हैं तो आपको सवाल मिल जाए कि आपका पढ़ा हुआ सवाल, अगर आपका पढ़ा हुआ सवाल है आप नहीं कर पाएंगे। मैंने आप कई बार कहा हुआ है कि पॉलिटी और हिस्ट्री में अगर आपको अपना पढ़ा हुआ सवाल नहीं मिलता है तो आप जो है सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो नाउ आई एम रेजिंग वन मोर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के लिए बिस्मार्क और विलियम द्वितीय के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। किस हद तक विलियम द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे? यू आर एबल टू आंसर, टेल मी। एकता, प्रशांत, कम ऑन, फास्ट रिप्लाई करो ना ताकि आई शुड मूव ऑन। ये क्या है, अगर आप क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हो तो ये मीठा मीठा लेक्चर सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ द क्वेश्चंस आर बीइंग फ्रेम्ड एंड हाउ यू आर एबल टू आंसर इट केयरफुली। अब किसी भी जो यूरोप का माहौल बन रहा था उस माहौल में हर देश की जो एक फॉरेन पॉलिसी बन रही थी वह फॉरेन पॉलिसी अपने देश के राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही थी। उस समय इंग्लैंड के उपनिवेश सारी दुनिया में फैले हुए थे और इंग्लैंड की आबादी की तुलना में उसके पास उपनिवेश बहुत बड़े थे और औद्योगिक जो विकास था वह औद्योगिक विकास जो था वह सीधे सीधे उपनिवेशों के बाजारों से जुड़ता था और दोनों के लिए सामुद्रिक यातायात एक जीवन के स्रोत थे। नेपोलियन का पूरी ताकत से इंग्लैंड ने विरोध इसलिए किया था कि नेपोलियन इंग्लैंड की राजनीतिक और व्यावसायिक सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा था और नेपोलियन के पराजय के बाद जो वीना की व्यवस्था बनी उस वीना की व्यवस्था में इंग्लैंड ने अपनी रुचि इसलिए दिखाई क्योंकि वह चाहता था कि नेपोलियन के समय हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से न हो जाए।
और यूरोप में अपने को आश्वस्त करके इंग्लैंड अपने पूंजीवादी विकास को एक नए आयाम को ले आ जाता था। इसके लिए इंग्लैंड को आवश्यक था यूरोप में एक शांति का माहौल रहे। तो इंग्लैंड अपने इस व्यवसायिक, आर्थिक और उपनिवेश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह चाहता था कि यूरोप में किसी तरह का संघर्ष न हो और यूरोप में शांति का माहौल रहे। इसीलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड ने यूरोप के देशों के साथ कोई संधि या समझौता नहीं किया। हमने आपको जितना जर्मनी या बिस्मार्क की कहानी सुनाई, उसमें कहीं भी इंग्लैंड किसी भी संधि में, किसी के समझौते में शामिल नहीं हुआ है। बिस्मार्क बराबर ही कहता था कि इंग्लैंड और जर्मनी का कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, जो कि एक स्थल की शक्ति है, एक सामुद्रिक शक्ति है, और दोनों एक दूसरे के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो बिस्मार्क की महत्वाकांक्षा थी वह यूरोप तक ही सीमित थी, और यूरोप बिस्मार्क के कंट्रोल में था, नियंत्रण में था, उसकी मुट्ठी में था। इंग्लैंड को इससे कोई ताल्लुका भी नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ये जानता था कि यूरोप में जर्मनी की प्रभुत्व से इंग्लैंड के आर्थिक हितों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि इंग्लैंड के औपनिवेशिक बहुत दूर तक फैले हुए थे और इंग्लैंड वहाँ के बाजारों का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर रहा था। लेकिन जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय ने यहाँ पर समस्या पैदा कर दी। उसने बिस्मार्क की नीति को पलट कर इंग्लैंड से सीधी प्रतियोगिता कर ली और बाजार की तलाश एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो भी राष्ट्र बाजार की तलाश करता वह सीधे सीधे इंग्लैंड से और इंग्लैंड के हितों से टकराता, नौसैनिक का विस्तार करता तो इंग्लैंड के सामने था, शक्ति बढ़ाता तो इंग्लैंड को खराब होता। तो जर्मनी जो भी करता यूरोप के बाहर वह इंग्लैंड के हितों से टकराता टकराता, चाहे वो बाजार की तलाश करता, उपनिवेश की तलाश करता और नौसैनिक विस्तार करता। विलियम द्वितीय ने यह तीनों काम करने आरंभ कर दिए। अब 19वीं शताब्दी में जब बोअर का युद्ध शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि विलियम उसमें हस्तक्षेप करेगा। इधर जर्मनी की जो सामरिक तैयारी थी वह भी आतंकित कर रही थी। विलियम किसी भी तरह के समझौते को तैयार नहीं था, क्योंकि वह जर्मनी के उद्योगों की प्रगति चाहता था और जर्मनी की उद्योगों की प्रगति के लिए उसको उपनिवेशों की आवश्यकता थी। इंग्लैंड जैसा एकाकीपन यूरोप में फ्रांस और रूस भी दोनों झेल रहे थे, लेकिन जब रूस और फ्रांस में समझौता हो गया तब इंग्लैंड ने समझा कि उसे भी अब संधियों में शामिल होना पड़ेगा। गुप्त संधियों की हकीकत सबके सामने आ रही थी। धीरे धीरे सारे राष्ट्र ये जान रहे थे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ गुप्त संधियां कर रहे हैं। सभी को यह पता लग गया था कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया इटली के बीच संधि का आधार सैनिक संधि है। रूस और फ्रांस भी सैनिक संधि न सही राजनीतिक स्तर पर मित्र हो गए। रूस और फ्रांस औद्योगिक कारणों से एक दूसरे के नज़दीक आ गए। यूरोप दो गुटों में बटने लग गया। फ्रांस और रूस के बीच एक संधि शुरू हो गई। बिस्मार्क ने फ्रांस को मित्रहीन बनाकर एकाकी कर दिया था। उसने रूस के खिलाफ षड्यंत्र रचा और मित्रता का स्वांग रचा। जैसे पहले मैंने बताया कि उसने ऑस्ट्रिया के साथ गुप्त संधि करके रूस के साथ एक धोखाधड़ी की थी। विलियम ने यह स्वांग उतार दिया। जो बिस्मार्क ने ड्रामा किया था, एक आवरण किया हुआ था कि वह रूस के साथ ऊपर से दोस्ती की बात करता था, अंदर से वह ऑस्ट्रिया के साथ संधि किया हुआ था रूस के खिलाफ, विलियम ने यह उतार दिया। जैसे ही विलियम ने यह उतार दिया रूस अकेला पड़ गया। रूस के अकेला पड़ते ही रूस और फ्रांस के बीच स्वाभाविक मित्रता संभव हो गई।
बिस्मार्क की फ्रांस को अकेले रखने की नीयत, बिस्मार्क की फ्रांस को एकाकी रखने की नीयत यहाँ विफल होने लग गई और औद्योगिक कारणों के कारण यह दोनों नज़दीक आ गए। रूस का औद्योगिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था, उसके पास पूंजी की बाकी की भारी भारी कमी थी। फ्रेंच बैंकर जो हैं वह रूस में पैसा लगा रहे थे और वह पैसा लगाने को तैयार भी थे। इन स्थितियों को देखते हुए 1891 में फ्रेंच नौसेना के जहाज व्यूह ने रूसी बंदरगाह तक यात्रा की। फ्रांसीसी जिस तरह से रूस को पैसों की आवश्यकता थी, जिस तरह से रूस को पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, वैसे ही फ्रांसीसी पूंजी को और उद्योग को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता थी। रूस से बड़ा विस्तृत बाजार फ्रांस को कहाँ मिल सकता था? रूस का जो एक भूखा अर्थतंत्र था और जहाँ पर तकनीकी कमी थी, उस तकनीकी सहायता में दो ही देश काम आ सकते थे, या इंग्लैंड या फ्रांस। फ्रांस ने इसमें पहल की और रूस को सहायता लग गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक निकटता का भी इतिहास था, जिसे कभी नेपोलियन ने आक्रमण करके तोड़ दिया था। फ्रेंच भाषा का प्रभुत्व रूस में बहुत हुआ करता था। 1897 में फ्रांस और रूस में संधि हो गई। विलियम द्वितीय के उस स्वांग को, उस आवरण को हटाते ही गुटबाजी और तेज होने लग गई। जो फ्रांस अकेला था और जो रूस एक छद्म रूप से जर्मनी की मित्रता के आवरण में था, वह अलग होकर फ्रांस और रूस की मित्रता हो गई। उसी समय जापान का एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आविर्भाव हुआ। मध्ययुगीन जापान एक शक्ति के रूप में सामने आने लग गया। जापान में औद्योगिक विकास हुआ और जापान ने एक प्रसारवादी नीति का आरंभ किया। उसने चीन जैसे विशाल देश को देश पर प्रयोग कर दिया गया और जापान की बढ़ती शक्ति को देखकर इंग्लैंड ने उसी से अपनी मित्रता की शुरुआत करने का कार्य आरंभ किया। इंग्लैंड के आर्थिक हितों का विस्तार होता तो एशिया में एक युद्ध बन जाता। जापान को भी पश्चिमी अनुभव की आवश्यकता थी, उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान चाहिए था। दोनों के बीच वार्ता आरंभ हुई। 1902 में जापान और इंग्लैंड के बीच संधि हो गई। इस संधि से उत्साहित होकर जापान ने रूस के खिलाफ विस्तारवादी आक्रमण में अपनाई और 1905 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक भूचाल आ गया। जापान ने रूस को पराजित कर दिया। जब फ्रांस में भी इंग्लैंड की निकटता का वातावरण तैयार होने गया। रूस की मित्रता फ्रांस के लिए उतनी आश्वस्त करने वाली नहीं थी जितनी इंग्लैंड की थी। इंग्लैंड फ्रांस को साथ लेकर जर्मनी को नीचा दिखाना चाहता था। जब ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा किया तो फ्रांस असंतुष्ट था, क्योंकि उससे उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों पर शक्तियाँ बढ़ रही थी। यूरोप कई भागों में बढ़ गया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने आपस में समझौता कर लिया। एशिया में रूस और जापान के संबंध बिगड़ रहे थे। जापान ने रूस को 1905 में बुरी तरह से पराजित करके एक अप्रत्याशित सफलता हासिल की। फ्रांस और रूस के संबंध तेज बढ़ रहे थे। इंग्लैंड और फ्रांस के समझौतों के आधार पर इन दोनों के बीच समस्याओं के निदान बात सुलझने लगी। पूरा यूरोप दो भागों में बट गया। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली थे तो दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। इतिहासकार बर्ट ड्रेसल का एक स्टेटमेंट है, 1890 और 1907 के बीच एक कूटनीतिक क्रांति हुई,
जिसने बिस्मार्क की सफलताओं पर पानी फेर दिया। लिखिए जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन कैन कम। 1890 और 1907 के बीच एक कूटनीतिक क्रांति हुई जिसने बिस्मार्क की सफलताओं पर पानी फेर दिया। कमेंट, आप इसको, इसका आंसर मेरे लेक्चर में ही है, आप लोग इसको लिखिएगा, नहीं हुआ आई विल आंसर टुमारो। उसी समय मोरक्को का संकट उत्पन्न हुआ और मोरक्को संकट के साथ वह पूर्वाभास आरंभ हो गया जिस पूर्वाभास के कारण प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत होने के लक्षण दिखाई देने लगे। शांति के प्रयास किए जा रहे थे लेकिन शांति के प्रयास खोखले थे, अधूरे थे। एक तरफ शांति के प्रयास हो रहे थे, दूसरी तरफ शस्त्रों की होड़ चल रही थी। युद्ध से सब युद्ध के प्रति सब चिंतित थे और यूरोप के देशों का औद्योगिक विकास की सीमा तक पहुंच गया था कि अब उनको अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार राजनीतिक संबंधों को एक नया स्वरूप देना था। साम्राज्यवादी विकास के लिए अनिवार्य होता है कि बाजारों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। छोटा सा बेल्जियम देश भी अपने से कई बड़ा गुना उपनिवेश रखता था। स्पेन और पुर्तगाल जैसे छोटे देशों के पास भी उपनिवेश थे। जापान विकसित और शक्तिशाली होकर यूरोपीय देशों की बराबर कदर पा गया था। जापान ने रूस जैसे बड़े देश को परास्त कर दिया था लेकिन जापान के विकास को पहली बार औद्योगिक स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। यह कहा जाता है कि 1871 से 1914 तक का काल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकता का काल था। यूरोप के सारे देश और सारे नेता अपने आर्थिक हितों के गुलाम हो चुके थे। आदर्शवादी नारे पूंजीवाद के सहारे आगे बढ़ रहे थे। मुनाफाखोरी के लिए सब लगे हुए थे। बड़े बाजारों को प्राप्त करना, उपनिवेशों को प्राप्त करना एक लक्ष्य हो चुका था। यहीं से प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत होती है। यह हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूर्व पीठिका। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, द लेक्चर वॉज वेरी इंटेंस। अगर अभी मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डेवलपमेंट पे ले जाऊंगा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा तो आई थिंक यू विल नॉट एबल टू गेट इट। तो यू सिंक ओनली दिस, स्टिल आई हैव द 10 मिनट्स मोर बिकॉज आई क्लोज देयर आर 90 मिनट्स अभी 10 मिनट बचा हुआ है। मैं इसी को फिर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका क्लियर हो जाए। देखिए, तीन चार तरह की चीजें इस पूरे व्याख्यान में हमारे सामने आई हैं। पहली बात क्या आई है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए 1914 में हुई घटनाएं जिम्मेदार नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए 1871 से लेके 1914 के बीच हुई घटनाएं जिम्मेदार है। आप चाहे इसको लिख लें, जस्ट यू नोट डाउन कि प्रथम फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द इवेंट्स फ्रॉम 1871 टू 1914 इज रिस्पॉन्सिबल। 1871 से 1914 के बीच की घटनाएं प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार है, पहला। दूसरा, यूरोप की गुटबाजी और यूरोप की गुप्त संधियां प्रथम विश्व युद्ध के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। तीसरा, जो एक बिस्मार्क की नीति थी, बिस्मार्क की नीति ने गुप्त निरपेक्ष गुटबाजी को भी बढ़ावा दिया और गुप्त संधियों को भी बढ़ावा दिया। बिस्मार्क की जो नीति थी फ्रांस को एकाकी कर दिया जाए, ये आप बिल्कुल याद रखिए, ये आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है कि फ्रांस को एकाकी कर दिया जाए ताकि वह जर्मनी के हाथों हुए अपमान या असम्मान का बदला न ले सके। ऑस्ट्रिया सांस्कृतिक रूप से जर्मनी के नजदीक है, इसलिए ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बावजूद उससे बेहतर संबंध रखे जाए। इटली और जर्मनी का एकीकरण एक समानांतर प्रक्रिया के तहत हुआ था, उसके कारण इटली और जर्मनी एक दूसरे के नज़दीक थे और इटली और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी।
रूस के साथ जहां तक संभव हो मित्रता का संबंध रखा जाए, लेकिन रूस और ऑस्ट्रिया में किसी एक को चुनना हो तो ऑस्ट्रिया को हम को जमीन चुने और पूरी समस्या के मामलों में किसी भी तरह का प्रत्यक्ष हिस्सेदारी न की जाए। यह बिस्मार्क की 5 पॉइंट की नीति थी। इस 5 पॉइंट की नीति को ध्यान में रखते हुए बिस्मार्क ने गुटबाजी और गुप्त संधियों को यूरोप में बढ़ावा दिया। बिस्मार्क ने एक संतुष्ट राष्ट्र की नीति को प्रस्तावित किया। बिस्मार्क ने कहा कि अब जर्मनी राष्ट्र संतुष्ट हो चुका है और बिस्मार्क ने आक्रमण की नीति को छोड़कर कूटनीति की नीति को अख्तियार किया और वह यूरोप में कूटनीति के सहारे अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाह रहा था। और बिस्मार्क ने सारे राष्ट्रों बीच फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड सबके बीच इस तरह के संबंधों की स्थापना की कि जर्मनी का बहुत बना रहा। लेकिन बिस्मार्क के बाद जैसे ही विलियम द्वितीय आते हैं, उन्होंने बिस्मार्क की नीति को पलट दिया। जो बिस्मार्क की एक संतुष्ट राष्ट्र की नीति थी उसको खत्म कर दिया। अब जर्मनी संतुष्ट राष्ट्र नहीं है, जर्मनी को विस्तार चाहिए। नौसेना का विस्तार शुरू हो गया। बिस्मार्क ने यह प्रस्ताव, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि इंग्लैंड के और जर्मनी के हित कहीं से टकराते नहीं है। विलियम द्वितीय ने जर्मनी और इंग्लैंड के हितों की टकराव का बना कर दिया। जो बिस्मार्क ने एक आर्थिक विकास के कार्यक्रम को आरंभ किया था उसको ध्यान में रखते हुए विलियम द्वितीय ने कहा हमको और उपनिवेश चाहिए। जो उपनिवेश और चाह रहे थे, उपनिवेश उस समय विश्व में बढ़ चुके थे। नए उपनिवेशों को पाने का एक ही रास्ता था, यूरोप में संघर्ष। अगर उपनिवेशों को प्राप्त करना हो, नए बाजारों को ढूंढना हो, नौसेना का विस्तार करना हो, इन तीनों मामलों में इंग्लैंड से प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो चुकी थी। जापान का एक नए राष्ट्र रूप में उदय हो रहा था। जापान ने चीन को पराजित किया। 1905 में जब जापान ने रूस को परास्त कर दिया तो एक नई एशियाई ताकत का जन्म हो गया। इंग्लैंड और जापान के बीच संधि हो गई। जापान को भी पश्चिमी माहौल चाहिए था, पश्चिमी समर्थन चाहिए था। उधर फ्रांस और रूस में संधि हो गई। रूस के पास बाजार थे, फ्रांस को बाजार चाहिए थे। रूस के पास कोई औद्योगिक क्रियाशीलता नहीं थी, जापान पैसा लगाना चाहता था। फ्रांसीसी इंजीनियर लोपेज ने स्वेज नदी का विचार दिया था, स्वेज बनाया था। इन माहौलों में जिस तरह से बाजारों को लेकर संघर्ष चल रहे थे, जिस तरह से अविश्वास का माहौल हो रहा था, वह प्रथम विश्व युद्ध के उत्तर रहेगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। टुमारो आई विल कंक्लूड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। I hope that it is getting clear. If not clear, you just ask me. I can do it again. लेकिन मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगा। जो टॉपिक हो जाए आप मुझको दोबारा वापस उस पर मत ले आइए। Your mains is the September 2020. By January 31st, we wanted to complete most part of the mains. Prelims आपका काफी तैयार हो चुका है। Prelims बहुत बड़ी समस्या आपके लिए है नहीं। हम लोग जनवरी 31st जनवरी के बाद फिर एनालाइज करेंगे कि how long we can go for the mains also. एक बहुत डिमांड आ रही है इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने, विल सून स्टार्ट इकोनॉमिक्स आल्सो। कोई प्रॉब्लम हो राइट ऑन द चैट। आई थिंक दिस सेशन वाज गुड एंड यू हैव गॉट अ लॉट थिंग्स टुडे। ओके, टेक केयर, गुड नाइट।